देखिए हमारा सबसे पहले मैंगो का प्लांट है, कितना बड़ा है। तो देखिए यहाँ से खाद उठा के हम क्या कर रहे हैं, अभी खाद को यहाँ डाल रहे हैं। यहाँ पर हमने खुदाई की और अभी खाद डाल रहे हैं देसी, उसके बाद हम लगाएंगे। यहाँ पर देखिए पपीता का प्लांट है एक, यहाँ पर भी है और यहाँ पर, क्योंकि कल हम पानी इसमें छोड़ने वाले थे पर उनकी मोटर ही बिगड़ गई तो पानी तो नहीं छोड़ा है अभी, इसलिए कल का व्लॉग भी नहीं आया। कल पूरा मोड ही ऑफ था मेरा, तो फिर मैं आया ही नहीं यहाँ पर। शाम को आया था जो हमने ट्रे है उसमें नर्सरी में पानी देने, सुबह ने रनिंग करने भी नहीं आया था। अभी तो पता नहीं अगले संडे तक तो इसमें पानी नहीं जाएगा। तो हम क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पर देसी खुदाई की, अब हम देसी खाद डाल रहे हैं और देखिए यहाँ पर प्रॉपर हमने देसी खाद डाल दिया है। अजी आया जो एक आए एक डोल ला के देना खातर, ओसू ला गया। तो देसी खाद डाल के देखिए हमने यहाँ से बंद कर दिया है। हम क्या करेंगे, बाल्टी भर भर के यहाँ पर हर 3 दिन में पानी डाल देंगे, 15-20-25 बाल्टी, और देखते कैसे वेजिटेबल्स ग्रो होते। क्योंकि इसमें तो हफ्ते में एक बार छोड़ना था, वो भी अभी नहीं हो पा रहा है हमसे, तो उसका भी कुछ करेंगे। तो हमने सोचा उसमें हम भले ही रोज़ आके 5 बाल्टी 10-15 बाल्टी 20 बाल्टी डाल देंगे, थोड़े थोड़े हिस्से में, पूरे में नहीं डालेंगे। आज मतलब कि यहाँ से एक एंगल से लेकर वहाँ तक 5 बाल्टी 15 बाल्टी डाली, फिर कल आके एक दूसरी एंगल में 15 बाल्टी, ऐसे ऐसे 3 दिन तक 45 बाल्टी डाल देंगे। फिर दोबारा से जब यहाँ से डालने शुरू की तरह वहाँ पर, फिर वहाँ से ऐसे ऐसे तीनों तरफ डालेंगे, 2 या 2.5 एंगल है उसमें, तो ऐसे करेंगे हम सोचे ऐसे। और वेजिटेबल्स ही उगाएंगे वहाँ पर। यहाँ पर देखिए बैंगन है पर कोई बैंगन नहीं दिख रहा है। हम यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, लोगों ने गमले में उगा के सब्जी बना ली, हमने इतने सारे प्लांट लगाए पर अभी तक हमारी कोई सब्जी नहीं बनी घर पे एक भी। तो अभी हम प्रॉपर कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि सब्जी हो, भले ही थोड़ी जगह पे करेंगे। हमने यहाँ सब ज़्यादा ज़्यादा किया, उसमें हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम अभी छोटे एरिया में करेंगे। ये मैंगो प्लांट है, देखिए ये सारे गवा के प्लांट्स हैं पर क्या इसमें सिर्फ एक गवा है, देखिए आप, तो इसका कुछ मतलब नहीं बनता है क्योंकि इसको पानी इतना चाहिए ना हम दे नहीं पा रहे। तो हमने सोचा इतना सब कुछ करके भी अगर पानी नहीं दे पाएंगे तो फिर तो कुछ काम का ही है। तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जो प्लांट है ना इसको अगर 15 दिन में एक बार पानी दे तो चलेगा, पर जो वेजिटेबल्स होती है ना उसको 3 दिन में पानी चाहिए ही चाहिए। तो ये देखिए टमाटर है यहाँ पर, तो अभी हम ये सब बहुत ज़्यादा लंबी जगह में नहीं, आगे जो छोटा सा है मतलब वो कितना होगा पता है आपको, देखिए यहाँ से लेके यहाँ सीताफल है, ये एक एंगल है, उसके बाद 2 एंगल है वो ऐसे यहाँ तक होगा, तो हम उतने में ही करेंगे। देखिए यहाँ पर भी हमने तरबूज के बीज डाले हैं, अभी पानी मिलेगा ही नहीं तो ये कैसे जन्मेंगे। हमने यहाँ पर 450 तरबूज के सीड्स को डाला है, हमने कितनी खुदाई की कितना, पर हम पानी में थोड़ा पीछे रह जाए। ये देखिए अंगूर का प्लांट है, ये प्लांट जो होते हैं ना उसको चलता है वह हफ्ते में 15 दिन में देंगे ना तो, पर वो वेजिटेबल्स को नहीं चलता है, इसी वजह से शायद वेजिटेबल्स इतनी महंगी होती होगी और फ्रूट तो उससे भी महंगे। उसके बाद ये बनाना का प्लांट है, यहाँ पर देखिए मैंगो में अभी देखते हैं इस नौती और सब निकले है उसमें क्या फ्लावर बैठते हैं या और एक नौती निकल जाती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये भी गवारी है, तो देखिए सख्त मिट्टी होगी ना उसमें नहीं ग्रो करेगा, बिना खाद के ग्रो नहीं करेगा, बिना पानी के ग्रो नहीं करेगा। ये देखिए केल है ना उसके पत्ते भी बड़े बड़े होने लगे, मुझे थोड़े बड़े लग रहे हैं, अगर ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी 6-7 महीने में तो अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए गवार की कितने बढ़िया से प्लांट लगे। उसके बाद यहाँ पर जामुन का प्लांट है, यहाँ पर क्या बोलते हैं अमरूद है ग्राफ्टेड, उसके बाद यहाँ पर मैंगो है, यहाँ पर टमाटर है, 3, 4, 7, 8 टमाटर, 8 का 8 टमाटर। इसको अगर पानी मिल गया होता इस हफ्ते तो अगले हफ्ते शायद ये पक जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमने तरबूज लगाए हैं सारे जगह पर। उसके बाद ये हमारा नारियली का प्लांट है और ये हमारा मोरिंगा ड्रमस्टिक का प्लांट है। यहाँ पर भी देखिए आप फ्लावर काफ़ी सारे हैं। उसके बाद आगे जाते हैं तो अभी तक सूरज तो नहीं निकला है पर पूरा एटमॉस्फेयर बहुत बढ़िया है। देखिए आप पूरे का पूरा कितना बढ़िया व्यू है, ऐसा व्यू तो कभी कभी देखने को मिलता है। वैसे तो अगर आप फार्म में आएंगे ना तो आपको एक तो नेचुरल हवा जो एयर मिलेगी हवा, अभी ये पौधा ही आपको ऑक्सीजन दे रहा है, आगे जाएंगे तो ये भी आपको ऑक्सीजन दे रहा है, तो सोचिए आप
एक जगह पे आप जहाँ पर खड़े हो वहाँ पर ऑक्सीजन तो कोई नहीं दे रहा, बल्कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, और यहाँ पर शुद्ध ऑक्सीजन मिल रहा है इन प्लांट की वजह से। देखिए प्लांट्स मेरे से भी बड़े हो गए, ये सब प्लांट तो 2 साल में तो इतने बड़े हो जाएंगे ना कि एक प्लांट्स में से मोरिंगा 100-100 किलो निकलेगा। देखिए आप 2-3 साल में देखिए इतने बड़े हो जाएंगे। उसके बाद ये मेहंदी है, आगे जाके देखते तो ये हमारा क्या बोलते हैं उसको, नींबू। उसके बाद ये भी मोरिंगा, यहाँ पर ये अमरूद, ये अमरूद पता नहीं क्यों सूख रहा है, बाकी अभी तो अमरूद अच्छे ग्रो हो रहे हैं। पीछे के सारे देखते हैं हम, उसको भी देख लेते हैं शायद उसमें भी कुछ दिक्कत ना हुई हो। यहाँ पर भी फ्लावर काफ़ी सारे हैं, पर इसमें मोरिंगा बने तब ना फ्लावर तो आ गए, पर एक तो मोरिंगा बन जाए तो हमें देखना है कैसा होता है। उसके बाद ये मीठा नीम, और ये क्या बोलते हैं अनार, यहाँ नहीं अमरूद तो प्रॉपर अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। इसमें पानी अभी अगले संडे छोड़ेंगे, तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। आप ही सोचिए अगर हम बाल्टी भर के भी यहाँ पर लाए तो किस में देंगे और कितना पानी दे पाएंगे। यहाँ देखिए आप, ये तो कितने बढ़िया से ग्रो हो गए ये प्लांट, तो मुझे लगता है 2 साल भी नहीं लगेगा इसमें, तब उसमें क्या बोलते हो फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। पर ये कलमी है ना वहाँ से नहीं बढ़ रहा है, ये नीचे ग्राफ्ट किया उसके नीचे से भाग से बन रहा है देखिए। पर कोई बात नहीं, इसको बढ़ना चाहिए जहाँ से बढ़े वहाँ से। उसके बाद ये सीताफली में देखिए पत्तियाँ आने लगी, नई सूख गया था फिर भी नई पत्तियाँ आने लगी है, तो कोई बात नहीं अभी नई पत्तियाँ आ गई। उसके बाद ये प्लांट तो पूरा सूख ही गया है सीताफली का। ये अमरूद का प्लांट भी अच्छे से ग्रो हो रहा है, और यहाँ कहीं भिंडी थी पर अभी दिख नहीं रही। उसके बाद ये भी अमरूद का प्लांट है, यहाँ कहीं भिंडी थी पर अभी नहीं दिखती है तो जाने दो। यहाँ पर अंगूर का प्लांट पूरा सूख गया है, और ये सीताफली के प्लांट में देखें नई नई पत्ती आने लगी है, तो वही बात नहीं चले। उसके बाद लास्ट में हमारा मैंगो का प्लांट है, और यहाँ पर देख सकते हैं। तो इतना है हमारा क्षेत्रफल, अभी हम यहाँ पर फ्रूटी लगाएंगे, तरबूज लगा दिया, बाकी अभी कुछ करेंगे नहीं। और ऐसा मुझे लगा अंगूर यहाँ पर कैसे हुआ। तो अभी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, और अभी तो अगले संडे तक वेट करना पड़ेगा। आज मंडे हुआ है, मुझे तो पता नहीं क्या होगा प्लांट का एक हफ्तों में, पर देखते हैं। अभी कुछ हमारे पास और कुछ है भी नहीं, तो अभी अगले संडे तक ही वेट करना पड़ेगा।